हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी है मेरे पास आज होंडा जैज, और इस गाड़ी का मैं करने जा रहा हूँ रेडिएटर फ्लश। अब रेडिएटर फ्लश ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। रेडिएटर काम करता है हमारे कूलिंग सिस्टम में, कूलिंग सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रेडिएटर। रेडिएटर को नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है ताकि वो आपके इंजन की हीट को बाहर निकालने का काम आसानी से कर सके। अब कई बार होता क्या है कि हमारे रेडिएटर के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं, कुछ बिल्डअप्स होता है या फिर पानी उसके अंदर से डाला होता है हमने, तो पानी के रेसिड्यूज वगैरह या फिर हार्डनेस, कैल्शियम, जो भी चीज़ें होती हैं वो अंदर उसके जाके जमने लगती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसकी जो लाइन्स हैं उन लाइन्स को ब्लॉक कर देती हैं। और इसी तरह जितनी भी लाइन चल रही हैं कूलेंट की, जो इंजन तक सप्लाई करती हैं, उन सारी लाइन्स के अंदर ऐसा ही बिल्डअप हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि साल में एक बार कूलेंट फ्लश ज़रूर कर लिया जाए। कुछ कंपनियां रिकमेंड करती हैं कि हाँ साल में किया जाए, कुछ कंपनियां दो साल में, और कुछ के कूलेंट ऐसे बने हुए रहते हैं कि वो कहते हैं साहब 5-5 साल में उनको फ्लश करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि साल में नहीं तो 2 साल में तो एक बार फ्लश तो ज़रूर कीजिए, और कूलेंट को चेंज करके नया डालिए। क्योंकि छोटा सा अमाउंट है जो कूलेंट के ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, लेकिन वो अमाउंट आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। सीधे मुद्दे पे आते हैं, कूलेंट फ्लश करने के लिए मैंने लिया है लिक्वी मोली का रेडिएटर फ्लश। और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैंने थर्मोस्टेट वॉल्व को पहले ही रिमूव कर लिया है। थर्मोस्टेट वॉल्व की लोकेशन कहाँ है वो भी अभी आपको दिखा दूंगा, साथ में रेडिएटर का ये कैप खोला हुआ है, राइट। थर्मोस्टेट वॉल्व को जब मैंने रिमूव किया, सारा कूलेंट रिमूव हो गया। वो देखिए, मैंने कूलेंट निकाल के रखा हुआ है, और साथ में टैप वाटर भी रखा है। मुझे करना क्या होगा, मैंने सारा कूलेंट निकाल दिया, थर्मोस्टेट निकाल दिया। थर्मोस्टेट क्यों निकाल दिया, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। थर्मोस्टेट निकालना बेहतर है अगर हम रेडिएटर फ्लश का जो हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएं, तो उसके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि वो निकाल दिया जाए, जिससे कम टाइम में अच्छे से कर पाएं। अदरवाइज थर्मोस्टेट लगा के भी कूलेंट फ्लश किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कूलेंट फ्लश नहीं किया जा सकता, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। मैं इसमें से मिक्स करूँगा टैप वाटर और हमारा ये रेडिएटर फ्लश का लिक्विड। रेडिएटर में भर दूंगा मैं पानी, और ये सादा पानी है, साफ पानी, कोशिश कीजिए कि साफ पानी है। अगर आपका यहाँ का पानी खारा है तो आरओ वाटर यूज़ कर लीजिए। तो अब मैं डालूंगा ये रेडिएटर फ्लश का केमिकल, इसके ऊपर सील होती है, सॉरी ये नीचे से ही निकल गया। अब ये लिक्विड जो है हमको मिक्स कर देना है इस पानी के साथ, और इसके अंदर क्लीनिंग एजेंट्स हैं जो कि हमारे रेडिएटर को साफ करेंगे। मेन पर्पज़ है हमारे रेडिएटर को और लाइन को साफ करना। अब ये रेडिएटर कैप भी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब एक बार करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट कर ली है हमने। अब होगा क्या कि जितना भी ये सिस्टम में कूलेंट है, कूलेंट के साथ साथ हमारा रेडिएटर फ्लश का जो केमिकल है वो पूरा सिस्टम में रन हो रहा है। करीब 15 मिनट हो गए हैं, और अब जाके ये फैन चल गया है। देख रहे हैं फैन चल रहा है, दोनों फैन चल रहे हैं। 15 मिनट के बाद इस गाड़ी का फैन ऑन हो गया। 15 मिनट लगे इसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में, और जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, फैन चला और फैन ने उस टेम्परेचर को रिड्यूस किया। अब जाके ये वर्किंग टेम्परेचर पे काम कर रहा है। 5 मिनट इसको ऐसे ही चलने दूंगा, और 5 मिनट बाद इस गाड़ी का इंजन हम कर देंगे ऑफ, और गाड़ी को होने देंगे ठंडा। क्यों? क्योंकि हमें रेडिएटर का यहाँ से कैप खोलना है। जितनी देर गाड़ी स्टार्ट रहे उतनी देर आपको इसको देखते रहना है, इंस्पेक्शन करते रहना है, फैन टाइम पे चला या नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत लेट हो गई, फैन ही नहीं ऑन हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कूलेंट कहीं से लीक हो रहा हो। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए कि उस टाइम पे गाड़ी को देखते रहिए कि कुछ मिसबिहेव तो नहीं कर रही है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। अब फैन ऑफ होने के बाद भी एक बार फिर फैन चल गया, और 5 मिनट हो गए इसको चलते हुए। अब मैं गाड़ी को बंद कर दूंगा। टोटल गाड़ी को रन करते हुए करीब 20-25 मिनट हो चुके हैं। अभी ये गाड़ी अच्छे से ठंडी हो गई है, और क्लीनर डालने के बाद इसको करीब 25 मिनट के आसपास हमने चला भी दिया है। आधा घंटा मोटा मोटी मान लें कि आधा घंटा चला भी दिया था। अच्छे से सारा पूरा जो सिस्टम था वो क्लीन हो गया होगा। अब ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के लिए नीचे मैंने एक टब रखा हुआ है, और नीचे से ड्रेन प्लग खोलूँगा रेडिएटर का। ये नीचे रखा हुआ है मैंने टब। अभी ये धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है। जैसे मैं रेडिएटर कैप खोलूंगा तो आप देखिएगा बिल्कुल फ्लो आएगा, क्योंकि एयर जाएगी अंदर। एकदम फ्लो आया। क्या करूंगा, एक सैंपल में कलेक्ट कर लूंगा इसमें। ये है हमारा
फर्स्ट फ्लश, इसको रख देंगे संभाल के। सारा जो इसके अंदर केमिकल था और पानी जो भी यहाँ से फ्लश हुआ, वो सिस्टम मैंने यहाँ सारा आइटम स्टोर कर लिया। अब एक बार फिर से मैं ड्रेन प्लग लगाऊंगा और ऊपर से फिर पानी भरूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से इसके अंदर पानी भरूंगा। फुल कर दिया मैंने, अब फिर से एक बार कैप लगा के अब एक बार इंजन को कर देंगे हम स्टार्ट। 5 मिनट हो गए, इंजन को एक बार अब ऑफ कर दूंगा। रेडिएटर के नीचे ड्रेन कैप लगा होगा प्लास्टिक का, उसे हमको खोलना है आराम से। कभी भी एक चीज का याद रखेंगे, गाड़ी जब गर्म हो, टेम्परेचर पे हो, तो उस टाइम पे बिल्कुल सेफ्टी की जरूरत है, आपका हाथ भी जल सकता है। इसीलिए मैंने गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा किया था पहली बार, लेकिन इस बार गाड़ी इतनी टेम्परेचर पे नहीं आई थी, इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे खोल रहा हूँ, हल्का सा गैस पास हो जाए फिर। ड्रेन कैप निकाल दिया मैंने, एक बार फिर से इसका सेकंड सैंपल में ले लूंगा। कलर देख रहे हैं इसका, अभी भी पुराने कूलेंट का है। सारा ड्रेन होने के बाद एक बार फिर से ड्रेन कैप को लगाऊंगा और फिर से पानी भरूंगा। पानी कितनी बार भर रहा हूं मैं, ये सेकंड टाइम। एक बार फ्लश किया और 2 बार पानी से फ्लश करूंगा। अब इसका कैप लगा दूंगा और फिर से गाड़ी को स्टार्ट करूंगा। अभी जब तक ये इंजन स्टार्ट है, एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो सेकंड फ्लश निकला है, इसके नीचे क्या बचा होगा। इसको मैं स्टोर करता हूँ। फर्स्ट फ्लश जो था वो मैंने फेंक दिया, देखा नहीं, मुझे लगा कि शायद ये दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कैप्चर करना भी सही समझा, जिससे कि आप लोग देख के समझ पाए कि हाँ, ये जो पार्टिकल्स हैं एक फ्लश से नहीं निकलेंगे, कई बार आपको फ्लश करना पड़ेगा। और इसका कलर देख रहे हैं, ये कलर भी ग्रीन अभी तक आ रहा है। ये देखिए, अभी झाग है, झाग हटता है तो दिखेगा। ये देखो, ये है रस्ट, और ये अभी सेकंड फ्लश की है। फर्स्ट फ्लश का मैंने फेंक दिया, ऐसे ही ये रस्ट इसके बाद भी निकलते रहती है, हमको देखने में ऊपर दिखेगा ऐसा है, लेकिन ये रस्ट पार्टिकल्स धीरे धीरे रिमूव होके आ रहे हैं। और अब एक बार इंजन को ऑफ करता हूँ और फिर इस वाले सिस्टम को भी बाहर निकालता हूँ। इंजन ऑफ हो गया और अब हम ये टब फिर से यहाँ लगा देंगे और ड्रेन प्लग को खोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी छोड़ा है मैंने, धीरे धीरे निकलने दे रहा हूँ, क्योंकि पहले गैस बिल्कुल अच्छे से पास हो जाए, तब जाके इस कैप को मैं पूरा हटाऊंगा। ड्रेन कैप हटा दिया मैंने, एक बार फिर से यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सैंपल जितने भी कलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारे आपको एक बार रख के दिखाऊंगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंट रहे, आप लोग क्लियर देख के समझ पाए कि हाँ, कितने टाइम में ये कलर निकला है। देख रहे हैं, अभी भी कलर ग्रीन आ रहा है और साथ में रस्ट पार्टिकल्स भी रहे होंगे। ये देखिए, पूरा खाली किया मैंने और भी झाग हटाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं नीचे, अभी भी यहाँ पे रस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट टाइम मैं फ्लश करूंगा, एक बार पानी और डाल के, और फिर इसके बाद नया कूलेंट हम टॉपअप करेंगे थर्मोस्टेट को लगा के। फिर से टब को यहाँ लगा लेंगे और अब यह है फोर्थ टाइम निकाल दिया। अभी ये फोर्थ टाइम का भी एक बार सैंपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। ये देखिए, पहला फ्लश था ये, जब हमने रेडिएटर फ्लश का केमिकल डाला था इसके अंदर, लिक्विड मोली। अब लिक्विड मोली का डाल के हमने जो फ्लश किया, ये इस कलर का निकला। इसके जो पार्टिकल्स निकले थे, रस्ट पार्टिकल्स, वो मैंने आपको अलग से दिखाए जब मैं उसको नीचे से खाली कर रहा था तब। अब सेकेंड टाइम जो मैंने फ्लश किया, ये सिर्फ वाटर से किया, टैप वाटर से फ्लश करने के बाद भी इतना आया। और फिर उसके बाद मैंने थर्ड टाइम फ्लश किया टैप वाटर से, उसका कलर ऐसा था। फिर मैंने ये फ्लश किया है फोर्थ टाइम, अब जाके ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और रस्ट पार्टिकल्स एवरी टाइम निकले हैं। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक टाइम इसको फ्लश किया और सारी पार्टिकल्स निकल जाएंगी। इसने अपना काम किया था, रस्ट को लूज किया था। लूज करने के बाद जितने टाइम आप फ्लश करेंगे, वो धीरे धीरे पार्टिकल्स वहां से निकलते जाएंगे। अभी हमने कंप्लीटली जो भी था वो ड्रेन कर दिया है और अब हुआ है ये कंप्लीट रेडिएटर फ्लश। रेडिएटर फ्लश के साथ साथ लाइनें
और साथ में हीटिंग कॉइल और जो भी हमारी सिस्टम था इसका हीटिंग का, जहां जहां जाता था इवन थ्रोटल बॉडी तक जो लाइन जाती है उन सारी लाइन को क्लीन कर लिया है। अब मेरा काम बाकी क्या है, थर्मोस्टेट वॉल्व को इंस्टॉल करना, फिर डालेंगे हम नया कूलेंट बिल्कुल फ्रेश तरीके से। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जो रह गई है, वो है हमारा ये रिजर्वर टैंक। रिजर्वर टैंक यहाँ पे लगा हुआ था सिर्फ एक बोल्ट के साथ, एक बोल्ट निकाला और ये आ गया हमारा बाहर, और इसको अभी हम क्लीन कर लेंगे। इसको बाहर ही क्लीन कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ एक डिब्बे के जैसा, अंदर दिख रहे हैं आप लोग गंदगी कितनी है, तो ये सारी गंदगी एक बार क्लीन करके और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। बॉटल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, ये यहाँ पे देख रहे होंगे दो मार्क्स है, मैक्सिमम और मिनिमम लेवल होता है ये, यहाँ तक कूलेंट होना चाहिए। तो अब कर देते हैं इसको फिट। सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई, अब मुझे क्या करना है, ये थर्मोस्टेट वॉल्व दोबारा से यहाँ इंस्टॉल कर देना है। तो ये एरिया है, ये दो बोल्ट खोल के मैं इसको दोबारा से थर्मोस्टेट वॉल्व को यहाँ कर दूंगा इंस्टॉल। अभी फाइनली टाइम है इसके अंदर कूलेंट डालने का। तो ये मैंने प्रीमिक्स कूलेंट लिया है, कूलेंट लिया है होंडा का जेन्युइन कूलेंट, और ये कूलेंट अभी करेंगे हम रेडिएटर में फिल। फिल करने के लिए एक सिंपल कैप लिया है मैंने, इसका 314 रुपीज का एक लीटर है, और ये प्रीमिक्स है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे तीन डिब्बे यानी 3 लीटर कूलेंट मैंने डाल दिया और यहां तक आ गया, ये देखेंगे इसका लेवल कुछ यहां तक आ गया रेडिएटर के यहां। अब ये वाला जो डिब्बा है इसको हम डालेंगे रिजर्वर टैंक में। एक बार लेवल देखूंगा मिनिमम मैक्सिमम, वहां से दिख रहा है डाउन, उसको मैक्सिमम तक मैंने फुल कर दिया, अभी हाफ लीटर करीब बचा है, हाफ लीटर में डाल दूंगा यहाँ। अब इंजन को हमने स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा कूलेंट और अभी बच गया है, थोड़ी देर इस इंजन को चलने देंगे जब तक ये टेम्परेचर में ना आ जाए, थर्मोस्टेट वॉल्व खुल जाएगा और पूरा जब घूमने लगेगा सर्कुलेशन यहाँ पे देखेगा, तब ये बचा हुआ कूलेंट यहाँ पे टॉपअप करूँगा और उसके बाद हम लगाएंगे ये रेडिएटर कैप। अभी देखिए थर्मोस्टेट वॉल्व खुल चुका है और यहाँ पे ये ऊपर आने लगा, एंटी फीस बाहर आने लगा, यानी थर्मोस्टेट वॉल्व खुल गया, अब ये जा रहा है। तो इसको हमें चाहिए ये कहाँ जाए, ये जाए हमारा रिजर्वर टैंक में, वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ये कैप लगा देंगे। अब एक बार फैन चलेगा, जब फैन चल जाएगा उसके बाद कूलेंट लेवल चेक करेंगे। अभी देख रहे हैं आप फैन भी चल गया, यानी कि पहले थर्मोस्टेट वॉल्व खुला, उसके बाद रेडिएटर में जो कूलेंट था वो गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद फैन चला, अब जाके ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ। अब जब ये गाड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर एक बार कूलेंट लेवल चेक करेंगे, कूलेंट लेवल अभी देखेंगे बढ़ गया है वहाँ से, क्योंकि जब मैंने कैप लगा दिया तो वहाँ पे लेवल हल्का सा बढ़ा है, अब ये लेवल वापस से अंदर जाएगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि जितनी भी एयर, कई बार क्या होता है कि इस प्रोसेस में एयर ट्रैप हो जाती है, तो वो एयर ट्रैप वाले बिल्कुल भी चांस को नहीं छोड़ेंगे, स्टार्ट करके हमने कूलेंट को डाला और इसके बाद भी कूलेंट लेवल चेक करेंगे जब गाड़ी को बंद करेंगे प्रॉपर। ये था कंप्लीट प्रोसेस रेडिएटर फ्लश का, रेडिएटर फ्लश से फायदे क्या हैं वो इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट पता चल चुके होंगे, और कभी भी यूज करें तो जेन्युइन कूलेंट यूज करें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।